एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिष किचन जेबी। मंचूरियन तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज बनाएंगे ब्रेड मंचूरियन जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज को मैंने बारीकी से काट लिया है। यहाँ मैंने ब्रेड के पीसेस लिए हुए हैं, ये देखिए बचे हुए ब्रेड के पीसेस हैं, मैं इसको यूज़ करूँगी। आप चाहे तो पूरा ब्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ लिया है मैंने पानी और ये देखिए इस ब्रेड के पीसेस हैं, इसको मैं इस तरह से इसमें डीप करूँगी कि देखिए इस तरह से, और इसको हल्का सा हाथों से प्रेस करके इसके पानी को, एक्स्ट्रा जो पानी है उसको निकाल लेंगे। इस तरह से जो है सारे ब्रेड को मैं ऐसे ही करूँगी, ये देखिए इस तरह से, और इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सारे ब्रेड को मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। ये देखिए ये सभी ब्रेड जो है इस तरह से मैंने कर लिया है। अब जितनी सब्जियाँ मैंने काटे थे उन सबको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से सभी सब्जियों को मैं इसमें एक साथ, ये देखिए इस बाउल में मैंने डाल दिया है। यहाँ मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 चम्मच, आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप देंगे। यहाँ मैंने हल्दी लिया है 1/2 चम्मच, 3 चम्मच मैदा लेंगे, ये देखिए, और 1 चम्मच यहाँ कॉर्नफ्लोर लेंगे, ये देखिए कॉर्नफ्लोर को ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 चम्मच बहुत है। और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने चाट मसाला लिया है, इन सबको जो है इस तरह से हम मिक्स करते हैं। चम्मच से मिक्स ना हो तो आप हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं हाथ से ही आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से, देखिए ये मिक्स हो जाता है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए रेडी हो गया है। अब चलिए इसे हम पकौड़े निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है, ये देखिए गर्म हो गया, मैं इसमें ऑयल इसमें जो है डाल देती हूँ। ये देखिए फ्लेम जो है मैं मीडियम हाई के बीच रखूँगी, स्टार्टिंग में थोड़ा मीडियम रखेंगे ताकि पकोड़े जो है जले नहीं, और फिर जब डालने के बाद हम हाई फ्लेम पर कर देंगे ताकि ये बहुत ही क्रंची हो। इस तरह से जो ये देखिए छोटे छोटे जो है ऐसे पकोड़े के साइज बना लेंगे। आप हाई फ्लेम ना रखें स्टार्टिंग में, आप मीडियम फ्लेम पर रखें इस तरह से, ये देखिए। अब इसको हम पलट लेते हैं। अब जो है हम धीरे धीरे इस तरह से पलटने के बाद जो है थोड़ा सा सब्जियां पक जाए, उसके बाद जो है हम इसको हाई फ्लेम पर रख देंगे ताकि अच्छे से ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा ये ब्राउन कलर आ गया है, इस तरह से कलर ये आ जाना चाहिए, देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। इसे हम निकाल लेते हैं थोड़ा देर और फ्राई करके, फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर, यहाँ देखिए मैंने सभी पकौड़े इस तरह से निकाल लिए हैं। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने कटे हुए लहसुन, प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च लिया है, ये जो उसी कढ़ाई में मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें जो है ये कटे हुए देखिए लहसुन डाल दिया है, और थोड़े से सौते कर लूँगी, और ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। ये देखिए मैंने जो है इसमें प्याज और ये शिमला मिर्च को डाल दिया है, और हरी मिर्च को भी इसमें, और 2 या 3 मिनट तक बस पकाएंगे इसे मीडियम फ्लेम पर। और इसमें जो मैंने ये सेजवान चटनी यूज़ किया है, आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी तीखी चटनी जो घर का बना हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सोया सॉस और ये टोमेटो सॉस भी यूज़ किया है, और थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, ज़्यादा सॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे, पकौड़े में भी सॉल्ट है और सॉस में भी सॉल्ट होता है। यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर और वाटर का ये एक बैटर तैयार किया है, इस बैटर को जो है इसमें मैं डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से डाल दूँगी, अगर थोड़ा ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा सा और पानी हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए पानी मैंने डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा चलाने के बाद जो है इसमें जो पकौड़े बनाए थे वो इसे हम डाल देंगे। आप पकौड़ों को चाहे वैसे भी ऐसे भी खा सकते हैं, और आप चाहे तो इस तरह से मंचूरियन बनाकर भी खा सकते हैं। और इसे जो है 2 मिनट तक, 2 मिनट नहीं 1 मिनट तक ही बस पकाएंगे, और ये रेडी है।
इसे चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको ये गर्मा गर्म सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए कितना टैम्पटिंग लग रहा है ना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।